जांजगीर के कचहरी चौक में जिला मुस्लिम संगठन के तत्वावधान में आरंभ मॉब लिंचिंग हत्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया और कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। आंदोलनकर्ताओं ने बताया कि मुस्लिम समाज के 3 लोगों द्वारा रोजगार के लिए मवेशी ले जाया जा रहा था। इसी दौरान 15 से 20 लोगों द्वारा मार मार कर 3 की हत्या कर दी गई। धरना प्रदर्शन करने वालों ने इस हत्याकांड की भी निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले भी मामले में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इससे आंदोलन करने बाध्य हुए हैं। उनका कहना है कि मांग पूर्ण नहीं होने पर आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे 3 मुस्लिम भाई जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए थे, वो ईद के 10 दिन पहले रोजगार के चक्कर में यहाँ से भैंस और बैल को लेके जा रहे थे। उनको बजरंग दल और गौरक्षक दल के 15 से 20 लोगों ने मार मार कर हत्या की है। हम इसकी निंदा करते हैं और शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द धारा 302 के तहत में गिरफ्तार कर उनको फांसी के तख्ते पे पहुंचाया जाए। ये आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार जो मॉब लिंचिंग हुई है और जिसके शिकार 3 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हुए हैं, उसके खिलाफ उनके हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए है। इसके पूर्व हम लोगों ने जिला प्रशासन ने और पूरे छत्तीसगढ़ की मुस्लिम समाज ने अपने अपने स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्र महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिए थे और कार्रवाई की मांग की है। दुर्भाग्य है कि अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, मजबूर होकर अब सड़क की लड़ाई शुरू हुई है। और एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि रायपुर में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें सर्व समाज शामिल हुआ था, और आज के इस प्रदर्शन की प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों ने भी दी है कि मुस्लिम समाज के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सर्व समाज के साथ लेके एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेंगे।